हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फुल स्टडी विद जॉय में। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, आज हम बात करेंगे ससंजक बल और असंजक बल के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और चलिए तो शुरू करते हैं, ससंजक बल और असंजक बल में अंतर, इसके बारे में आज हम क्या क्या जानेंगे आपको बता देते हैं कि इसके परिभाषा हम सबसे पहले जानेंगे, जो बहुत ही उपयोगी है क्योंकि परिभाषा पर ही हम सबसे ज़्यादा जोर देते हैं। किसी भी चीज़ की परिभाषा अगर आप अच्छे से याद कर लेंगे तो आपको उससे जुड़े हुए सारे एकदम डीप से डीप चीज़ को आप आसानी से समझ सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, चैनल शुरू करने वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें और से लाइक करके शेयर कर दें। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर ससंजक बल की। सबसे पहले तो ससंजक बल को इंग्लिश में कहते हैं कोहेसिव फोर्स। ठीक, आप साइंस में इसको पृष्ठ तनाव वाले चैप्टर में पढ़े होंगे। और ससंजक बल को इंग्लिश में कहते हैं कोहेसिव फोर्स। तो इसका परिभाषा यह है कि एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले बल को ससंजक बल कहते हैं। यानी कि जैसे मान लीजिए कि जल की एक बूंद है और एक और जल की बूंद है, अगर दोनों को लाया जाता है तो नहीं, एक दूसरे से मिल के एक बड़ी बूंद का निर्माण कर लेते हैं, तो इन दोनों के मध्य ससंजक बल लगता है। तो एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले बल को ससंजक बल कहते हैं। यह एक प्रकार का आकर्षण बल होता है। तो आपको एग्जाम में ये भी पूछेगा कि ससंजक बल क्या, आप कौन सा बल है, तो ये एक आकर्षण बल है। ये आप चीज़ याद रखिएगा, एक इसलिए अलग लाइन में मैंने बना दिया। ससंजक बल एक प्रकार का आकर्षण बल होता है। ठीक, ससंजक बल का परिभाषा आपने याद किया, बहुत ईजी परिभाषा है। चलिए इसको बात करते हैं, इसका थोड़ा सा उपयोग होता है, इसका थोड़ा सा ट्रिकी होता है, ये चीज़ पूछा जाता है एग्जाम में। तो ठीक है, तो ये पूछता है कि ठोसों में ससंजक बल का मान अधिक होता है। तो आपसे एग्जाम में पूछ देगा कि निम्न में से किसमें ससंजक बल का अधिक होता है, सबसे सर्वाधिक होता है। ठोस का दे देगा, द्रव दे देगा ऑप्शन में, गैस दे देगा, और नीचे इनमें से कोई नहीं दे देगा। तो आपको ये मारना है कि ठोसों में ससंजक बल का मान अधिक होता है। उसके बाद देता है कि इसी कारण इनका आकार निश्चित होता है। तो आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि निम्न में से क्या कारण है कि ठोस का आकार निश्चित होता है। तो उसमें ऑप्शन में कई चीज़ हो सकता है, लेकिन उसमें से अगर ससंजक बल ऑप्शन में है तब ससंजक बल भी मार सकते हैं, सही होगा। अब इसमें दूसरा लाइन ये दिया है कि गैसों में ससंजक बल का मान बहुत कम होता है। तो आपको याद रखना है, गैसों में ससंजक बल का मान बहुत कम होता है। तो ससंजक बल हम पढ़ लिए, आज हम अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे असंजक बल। असंजक बल क्या होते हैं? असंजक बल को हम कहते हैं एडहेसिव फोर्स। असंजक बल का मतलब, इसे कोई चीज़ अगर मान लीजिए ये दो चीज़ आए तो ये एकदम एडहेसिव हो जाए, एकदम चिपक जाए, तो इसको कहा जाता है असंजक बल। अपने फेविकोल में या फिर और चीज़ के ऐड में पढ़ा होगा कि एडहेसिव लिखा रहता है उसमें, तो ये एडहेसिव का मतलब यही होता है, ऐसा बल जो चिपका दे। ठीक, तो इसमें ये दिखाया है कि दो भिन्न प्रकार के अणुओं के बीच लगने वाले बल को असंजक बल कहते हैं। तो भिन्न प्रकार के अणु का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए ये माचिस और ये पेन, ये भी इनको पास लाया जाएगा तो इनके मध्य जो बल लगेगा उसको असंजक बल कहते हैं। वैसे ही कुछ चीज़ें हैं इसमें भी कुछ टॉपिक, इसमें देख लीजिए कि असंजक बल के कारण ही एक वस्तु दूसरे वस्तु से चिपकती है। तो एक वस्तु दूसरे वस्तु से तभी चिपकेगी जब असंजक बल का मान अधिक होगा। देखिए, ये होता है ससंजक बल, ये हुआ असंजक बल, यहीं पे समझने वाली चीज़ें हैं। देखिए, अगर मान लीजिए कि ये माचिस है, ये पेन है, इसको मैंने आसपास लाया, ये गिर गए। गिर गए का मतलब क्या हुआ कि इन दोनों के मध्य जो असंजक बल लग रहा है वो इन माचिस के डिब्बे के अंदर जो अणु हैं उनके ससंजक बल, और ये पेन के अंदर अणु है इन दोनों के, इस इनके आपस के ससंजक बल से अधिक है। इन दोनों का ससंजक बल अधिक है अपने आप में, तो इसलिए असंजक बल बहुत कम है, इसलिए दोनों चिपक नहीं रहे हैं। अब पानी का बूंद होता है, जो पानी का बूंद होता है वो शीशे पे चिपक जाता है। क्यों चिपक जाता है? क्योंकि पानी के बूंद का, पानी के बूंद से जो ससंजक बल है और शीशा का जो कण है, उन शीशा के कण से ससंजक बल है, इन दोनों का मान इन दोनों के मध्य के कणों के मध्य जो असंजक बल लगता है उससे कम रहता है। यहाँ पर असंजक बल अधिक है इसीलिए पानी का बूंद शीशा पे चिपक जाता है। लेकिन शीशा पे पारा पारा जो होता है वो नहीं चिपकता है। शीशा पे पारा इसलिए नहीं चिपकता है क्योंकि
क्योंकि इन दोनों के मध्य जो आसंजक बल लगता है वो कम होता है, तो ये दोनों एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप लोग याद कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यही था, छोटा सा टॉपिक था। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में हम पृष्ठ तनाव पढ़ेंगे। और कैसा लगा आपको ये आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप, हम चाहेंगे कि आप इससे जुड़े हुए और सारे उदाहरण जुटाएं, आपको कहीं से गूगल से या फिर कहीं और से आप सर्च करें, संसंजक बल के उदाहरण, आसंजक बल के उदाहरण, बहुत सारे उदाहरण हैं यहाँ पर, तेल का और पानी का हो सकता है कि, और बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। तो कैसा लगा वीडियो आप जरूर बताएं कमेंट करके, और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।